नमस्कार, मैं प्राची नृत्य के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी संस्कृति की वैभवशाली परंपरा को दर्शाता है हमारा ये मंच। आज हम लेकर आए हैं मणिपुरी नृत्य और नृत्यांगना है पद्मश्री दर्शना जवेरी, जो मणिपुरी नृत्य की प्रतिष्ठित कलाकार हैं। मणिपुरी नृत्य और दर्शना जी एक दूसरे के पर्याय हैं। नमस्कार, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ डांस। It is our pride to present before you today one of the renowned and senior most Manipuri dancers of our times, Guru Darshana Zaveri ji. Darshana ji is one of the four internationally renowned Zaveri sisters whose name has become synonymous with Manipuri dancing. आपने मणिपुरी नृत्य का प्रशिक्षण गुरु बिपिन सिंह जी से प्राप्त किया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये क्लिपिंग। दर्शना जावेरी का जन्म मुंबई के मशहूर उद्योगपति श्री नवनीत लाल जावेरी के घर हुआ। पिता नवनीत जी और माँ विमला दोनों को ही देश की कला व संस्कृति के प्रति गहरा लगाव था। 40 के दशक में जब देश में महात्मा गांधी व गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आदर्शों की धूम थी, यहाँ तक कि युवा वर्ग ज्यादा अपने को प्रोत्साहित समझता था, उस समय नवनीत जी ने अपनी पुत्री नैना व रंजना को मणिपुरी नृत्य के गुरु बिपिन सिंह जी को सौंपा और शुरू हुआ सिलसिला नृत्य का। देश के सभी प्रतिष्ठित कलाकार घर पर आते रहते। उस परिवेश से बच्चों में कला व संस्कृति के प्रति लगाव की अलख जगी और देश को मिली मणिपुरी नृत्य की साम्राज्ञी बहनें नैना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना जावेरी, जावेरी सिस्टर्स। पिता की दूरदृष्टि ने दी देश को नई विरासत, विरासत कला संस्कृति की, रंजना जावेरी ने कहा। Our parents, they have that artistic inclination, and my father especially, he was like a other few visionaries who saw that our own art should come out, and they allowed us to dance and learn dancing. And otherwise, our Gujarati families were quite conservative. Very few people, very few youngsters would dance. Guru Bipin Singh, he had come down from Manipur to teach and take part in the dance dramas. When we very became close with Guruji, he said, "Now you must imbibe the spirit of Manipur," and he advised us. Both the sisters to go to Manipur, and that's how we went first time in 1949, and that was the most memorable day. Those days were so memorable that still I relive those days. And we went and stayed with Guru Oja Amobi Singh, like a Gurukul, or ancient Gurukul system, along with him only. We were so much pleased with and attracted by the nature over there, with the green paddy fields, bamboo groves, plantains, small, all the ponds, where we would feel, oh, we are with the nature and with dancing, nothing else, nothing happened. I mean, we are not worried about anything. बड़ी बहन नैना और उनके जीवन साथी सुशील भाई के प्रयास से चारों बहनें मणिपुरी नृत्य में रम गईं। वरना ऐसा प्रायः कम ही देखने को मिलता है कि एक घर की चार बहनें और चारों ही एक ही नृत्य के प्रति रुचि और आस्था रखें। ये बताते हुए कहती हैं दर्शना जी, मणिपुरी की जो सुकुमारता, ग्रेसफुलनेस, लिरिसिज्म और डिवोशनल, वो सब हमारे शरीर को और हमारे स्वभाव को, एप्टीट्यूड को वो सूट किया। तो इस वजह से हम लोग ने सोचा, नहीं तो उस समय तो मैंने थोड़ा कथक भी सीखा था स्कूल में मैडम मेनका के पास, या तो बड़ी बहन ने कथकली भी थोड़ा सीखा था, कैंजन डांस भी सीखा था, मगर गुरुजी की वजह से और घर के वातावरण से हम लोग को लगा कि नहीं, मणिपुरी ही हम लोग के लिए वही सच्ची स्टाइल है और उसमें ही हम जीवन दे सके। जो सीरियसली मणिपुरी का करना था वो 1956 में पहली बार हम चारों बहनें मणिपुर गए, गुरुजी ले गए, और जो वहाँ की जो खास ट्रेडिशनल फाइव भंगी परेंग्स, विच आर दी बेसिक
बेसिस ऑफ मणिपुरी डांस, मैंने जो भी मणिपुरी सीखता है उसको इस पर प्रभुत्व मिलना बहुत ही ज़रूरत का है। तो वो पांचों भंगी हम लोग सीखकर वहाँ के जो तीन बड़े गुरु माने जाते थे, गुरु अमूबी सिंह, गुरु आतोम्बा सिंह और गुरु अमूदन शर्मा, तो ये तीनों गुरु के पास हम लोग ने एक महीना रहकर वहाँ उनकी जो खासियत थी, उनका जो डिफरेंसेस था ये पांच भंगी में, वो हम लोग ने सीखा और उनके सामने पांचों भंगी हम लोग ने प्रस्तुत की और वो लोग बहुत ही खुश हुए, हम लोग को आशीर्वाद दिया, सर्टिफिकेट्स दिए। तो 56 से हम लोग ने सोचा कि अभी मणिपुरी ही वो है, और 58 में हम लोग चार बहनें प्रथम नॉन मणिपुरीज, जो बिन मणिपुरी थे, जो वहाँ के जो गोविंद जी मंदिर है, पैलेस टेंपल, वहाँ चारों ने वी डेडिकेटेड अवर डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गोविंद जी आइडॉल, एंड इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। दर्शना जी ने अपना पूरा जीवन इस नृत्य को समर्पित कर दिया। आज भी उसके प्रचार प्रसार हेतु उतनी ही तत्परता से कार्य करती रहती हैं। इन बहनों ने मणिपुरी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। गुरु विपिन सिंह जी और भाई सुशील जी के सौजन्य से मणिपुरी की कई पुस्तकें लिखी, शास्त्र की जटिलता से निकाल उसे आसान बनाकर जन जन तक पहुंचाया। नृत्य के क्षेत्र में इस अतुलनीय योगदान हेतु इन्हें समय समय पर कई अलंकरणों से सम्मानित भी किया गया। मणिपुरी नृत्य के निमित्त दर्शना जी ने फोर्ट फाउंडेशन के लिए शोध कार्य किए, जिसमें मार्गदर्शन रहा सुशील भाई का। दर्शना जी नाउ बिगिन्स अ परफॉर्मेंस विद शिव स्तुति इन प्रेज ऑफ लॉर्ड शिवा द लॉर्ड ऑफ डांस। म्यूजिक कंपोजिशन श्री ओझा लखपति सिंह, वोकल श्रीमती द्रौपदी देवी, पुंग बीर मंगल सिंह, डांस कॉम्पोजिशन गुरु दर्शना जवेरी जी। आप अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हैं शिव स्तुति से, शिव जो स्वयं संगीत और नृत्यमय है। दर्शना जी को तांडव में महारत हासिल है और वो लास्य भी उतनी ही खूबसूरती से करती हैं। इसकी संगीत रचना की है ओझा लखपति जी ने और नृत्य रचना स्वयं दर्शना जी ने। आइए देखते हैं शिव स्तुति। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहो सिदाकाशं महाकाशं वाशं निराकारं ओंकारं मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोकितमेशं गिरीशं करालं महाकालं कालं त्रिपालं गुणागाय संसार शंकरं सर्वनाथं अखंडम
அருகி கொண்டால் கைகனி கிவர கிருஷ்ண நிம்பா Darshanaji now presents an Abhinay item, Shukushari Dondu. Shukushari Dondu is a quarrel of love between the male parrot and the female parrot. The male parrot praises Krishna while the female praises Radha. Finally, they reconcile, praising the eternal love of Radha and Krishna. Accompanying Darshanaji is her senior most disciple, Lata Sena Devi. Music composition and dance composition, Guru Shri Bipin Singhu. सुखसारी द्वंद्व। अब आप प्रस्तुत कर रही हैं सुखसारी द्वंद्व। इसमें दो पक्षी आपस में बहस कर रहे हैं, एक नर और एक मादा। नर कहता है कृष्ण अच्छे हैं, तो मादा कहती है नहीं, राधा अच्छी हैं। इसकी नृत्य एवं संगीत रचना की है गुरु बिपिन सिंह जी ने, और इस नृत्य में आपका साथ दे रही हैं आपकी शिष्या लता सना देवी। आइए देखते हैं सुखसारी द्वंद्व। महई थागत नरी
खाए था दुख तुन मचा मशुचे ने कृष्ण माई कई आईगी कृष्ण काम देव भूषुम हटपा आईगी कृष्ण काम देव भूषुम हटपा मरो लख मकी मबूनी नम ठबेरी मतम पुंब हिम चाय तम खंग न खेताई बंग नरहा कलंकिनी हाइना खंग न खेताई बंग नरहा कलंकिनी हाइना कोखन बेखे आएगे कृष्ण ना वैदशक्तम लोदोना लेते पांडम करी साथे कहूं
गौड़ीय वैष्णव धर्म, उसकी वजह से एक धर्म धार्मिक भावना और कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति कि आज गुरु लोग भी पूरा जीवन नृत्य संगीत के पीछे दे देते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि हम जितना भी कला के द्वारा भक्ति करें कृष्ण, तो कृष्ण जल्दी पाएंगे कृष्ण को। और मेरा ये कहना भी कतई गलत नहीं होगा कि आप एक में वैसी नृत्यांगना हैं जो पुंग भी बजाती हैं। मणिपुर में तो पुरुष कलाकार ही रासलीला में बैठकर बजाते हैं और संकीर्तन में उसके साथ डांस करते हैं, तो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस इंस्ट्रूमेंट और पूरे रिचुअल्स में उसका उपयोग होता है, तो लड़कियों को अलाउड नहीं है। फिर भी गुरुजी ने देखा कि नॉलेज ऑफ ड्रम पुंग इट गिव्स मोर डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग टू अ डांसर, इसलिए उन्होंने हम लोग की तीन संस्था बॉम्बे कलकत्ता और मणिपुर में लड़कियों को मृदंग सिखाना शुरू किया, और आज मृदंग सीख करके हम लोग खुद को इतना ज्ञान बढ़ा हुआ लगता है, इतनी समझ बढ़ी है कि आज ताल बोल छंद डांस करने में भी उसका उपयोग होता है। दर्शना जी नाउ प्रेजेंट्स तेलना, विच कैन बी लाइकन टू द तराना और तिल्लाना, अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन इन ताल चौताल फॉलोड बाय ताल तानचेप। म्यूजिक कॉम्पोजिशन एंड डांस कॉम्पोजिशन गुरुश्री बिपिन सिंह हो, अकम्पनिंग हर विल बी हर डिसाइपल लता सना देवी। सुखसारी द्वंद के बाद आप प्रस्तुत कर रही हैं तेलना। इस नृत्य में आपका साथ दे रही हैं आपकी शिष्या लता सना देवी। तो आइए देखते हैं मणिपुरी नृत्य तेलना, और कलाकार हैं पद्मश्री दर्शना जवेरी।